गाइस, जब से इन्फिनिक्स हॉट एट लॉन्च हुआ है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे वीडियो बनाए तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लेकिन उसमें से एक कॉमेंट हमेशा कॉमन रहा है, यही कि सर आप इस फ़ोन को 8 से 10 दिन यूज़ करें, और 8 से 10 दिन यूज़ करने के बाद हमें बताएं कि आपको इन्फिनिक्स हॉट एट कैसा लगा है। तो गाइज, फाइनली हमें 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इन्फिनिक्स हॉट एट को यूज़ करते हुए। तो आज इस वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इन्फिनिक्स हॉट एट के साथ कैसा रहा है। मेरा नाम है कैलाश पालीवाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमके टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले जानकारी कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और साथ साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि इन्फिनिक्स हॉट एट वो आपको 7000 के प्राइस राउंड में मिलता है, और 7000 के प्राइस राउंड में बहुत ही कमाल के इसके अंदर स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। और कमाल के स्पेसिफिकेशन में आपसे अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 5000 की एमएच बैटरी मिलती है, और 4GB की यहाँ पे रैम मिलती है। तो लोगों का कन्फ्यूजन यही है कि इतने सारे स्पेसिफिकेशन इतने कम प्राइस में आपको मिलते हैं, तो फोन के अंदर सिर्फ नाम के लिए सारे स्पेसिफिकेशन दिए गए या फिर काम के लिए दिए गए हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की। तो आपको इस फोन के अंदर 4GB के रैम कॉम्बिनेशन विथ हेलियो P22 का यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रोसेसिंग स्पीड की, तो मुझे कैसा लगा है। गाइस, इसके अंदर मैंने पबजी खेला है, बहुत सारे गेम यहाँ पे मैंने खेले, पबजी के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाए, लेकिन एक सवाल यही कि इसके अंदर पबजी चलता है या फिर नहीं चलता है। पबजी एकदम मक्खन की तरह चलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आप इसको HD ग्राफिक्स पे नहीं खेल सकते हैं। नॉर्मल या बैलेंसिंग ग्राफिक्स पे अगर आप खेलेंगे तो पबजी एकदम मक्खन की तरह चलेगा, वहीं आप इसको HD ग्राफिक्स पे खेलना चाहेंगे तो आप ये इन पे नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ये HD ग्राफिक्स को फिलहाल सपोर्ट नहीं करता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर यहाँ पे बात करें तो बाकी सारे ऐप भी बहुत ही कमाल के चलते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जो भी यूज़ करना चाहें बिल्कुल लैग फ्री यहाँ पे चलेंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में फोन बहुत ही बढ़िया है, बस पबजी थोड़ा सा आपको HD ग्राफिक्स पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की अगर यहाँ पे बात करें तो वो है इसका कमाल का डिस्प्ले। इस प्राइस सेगमेंट में आपको कोई भी फोन यहाँ पे 6.52 इंच का डिस्प्ले नहीं देता, और साथ ही साथ HD प्लस टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। यार, डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ब्राइट है। अगर आप इसको सनलाइट में भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे वीडियोस देखना चाहे, गेमिंग देखना चाहे, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो गाइस, जब से ये फोन मेरे पास है, इसके अंदर मूवीज और गेमिंग मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डिस्प्ले बड़ा आता है, और जो बड़ा डिस्प्ले तो यार उतना मज़ा भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो इसकी बैटरी है, क्योंकि यार बैटरी इसके अंदर बहुत ही कमाल की दी गई है। इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो यार बैटरी बैकअप भी कमाल का ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे गेमिंग खेलते हैं, कंटिन्यूसली इंटरनेट चालू रखते हैं, तो आपको करीबन 1.5 दिन का यहाँ पे आराम से बैटरी बैकअप मिल जाता है। या फिर अगर आपका यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स है तो करीबन 2 से 2.5 दिन का आपको आराम से बैटरी बैकअप इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन गाइज, एक प्रॉब्लम इसके अंदर आपको मिलता है, वैसे मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, तो चार्जिंग टाइम भी उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि इस फोन को ऑलमोस्ट 0 to 100% चार्ज करने के लिए 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। और यार 5000 mAh की बैटरी है तो चार्जिंग टाइम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन चार्जिंग टाइम बढ़ने के बाद आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी बैटरी जब चार्जिंग करते हैं या फिर हम गेमिंग खेलते हैं तो ये फोन हीट होता है या नहीं होता है। गाइज, सभी तरह के फोन, आप कोई भी फोन ले लो, हीटिंग तो उसके अंदर होगा ही, लेकिन इस फोन के अंदर आपको नॉर्मल सी हीटिंग ही यहाँ पे मिलती है। आप नॉर्मली 2-3 घंटे भी कंटिन्यू गेम खेलते हैं तो आपका जो फोन है वो नॉर्मल हीट होगा, या फिर आप चार्जिंग पे भी इसको लगाते हैं तो नॉर्मल सा वहाँ पे हीटिंग आता है। और हमने इसको विदाउट AC के चार्ज किया है तो हमें ज्यादा हीटिंग इसके अंदर फील नहीं आया है। गाइज, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी कैमरा की है, क्योंकि आपको इन्फिनिक्स हॉट एट के अंदर ट्रिपल कैमरा मिलता है। आपको इसके अंदर 13 MP + 2 MP + आपको जो एक कैमरा मिलता है वो नाइट मोड कैमरा यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी के मामले में ये फ़ोन बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको इतने बढ़िया फोटो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिलता है। डे लाइट में अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफी करोगे तो फोटो आपके बहुत ही बढ़िया आएंगे, बुके मोड भी आपका बहुत ही बढ़िया आएगा, कलर वगैरह कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो उतना कमाल का आपका यहाँ फोटो है वो नहीं आएगा, लेकिन डिसेंट सा
ठीक ठाक सा अपना फोटो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बात करते हैं वही सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा आपको जो मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है, सेम बुके मोड है, फोटोज है नॉर्मल से आपको डे लाइट में बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन नाइट में थोड़े से फोटोज यहाँ पे खराब से यहाँ पे आते हैं, पिक्सल्स वहाँ पे दिख जाते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर सेल्फी के अंदर एक LED लाइट LED फ्लैश आपको मिलती है, उससे आपका जो फोटोग्राफी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है नाइट मोड के अंदर। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो फोन के लुक्स, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन कैसा है। यार डिज़ाइन बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे मिल जाता है, कलर के जो नाम है वो बहुत ही अजीब से यहाँ रखे गए, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको बता देता हूँ। आपको मिलता है ब्लू कलर विथ ब्लैक कलर आपको मिलेगा, और आपको नेक्स्ट वैरायटी जो मिलती है यहाँ पे पर्पल कलर विथ ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे फोन मिल जाता है। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, यहाँ पे इन्फिनिक्स का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है, इस वजह से फोन थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे आपको नजर आता है। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी, तो आपको यार ये फोन जो मिलता है वो प्लास्टिक बॉडी का मिलता है, तो थोड़ा सा सेफली आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कवर है स्क्रीन गार्ड आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, लेकिन कवर या स्क्रीन गार्ड आपको बाहर से नहीं लाने हैं, आप जब भी अपना इन्फिनिक्स हॉट हेड खरीदेंगे तो कवर और जो स्क्रीन गार्ड है आपको इसके साथ ही मिलने वाले हैं। तो गाइज नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पे सेंसर है और आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक किस तरह से यहाँ पे मिलता है। तो बात करें सेंसर की, तो सेंसर सारे तरह के आपको इसके अंदर सेंसर मिल जाएंगे, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट यहाँ पे बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का यहाँ पे चलता है, और फेस अनलॉक फीचर भी यहाँ पे बहुत कमाल का है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कौन से भी फ़ोन के अंदर, कोई भी आप फ़ोन ले लो, उसके अंदर फेस अनलॉक जो फीचर है वो सेफ नहीं है, लेकिन एक मज़ेदार चीज़ है कि फटाफट से यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। तो ओवरऑल गाइज यहाँ पे मैंने सारी बात आपको इस फ़ोन के बारे में बता दी है, तो अब आते हैं फाइनली मुझे ये फ़ोन 10 दिन बाद कैसा लगा है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे अपना बजट बना के चलते हैं 8000 के आसपास आपको अगर कोई फ़ोन ख़रीदना है तो बिल्कुल आप इन्फिनिक्स हॉट एट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे फ़ोन मिल जाता है, इसके स्पेसिफिकेशन बहुत ही कमाल के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और प्राइस यार बहुत ही कम है, यहाँ पे 7000 के प्राइस रेंज में आपको ये फ़ोन मिल जाता है। गाइज लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस फ़ोन का कंपेरिजन किसी 20000 के प्राइस रेंज के फ़ोन के साथ करेंगे तो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं बनता है, ये फ़ोन के स्पेसिफिकेशन उसी प्राइस के सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही कमाल के यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप 7000 का बजट बना के चलते हैं, 8000 के बजट बना के चलते हैं, तो बिल्कुल आप इन्फिनिक्स हॉट एट के साथ जा सकते हैं। तो गाइज अब आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, 12 सितंबर से आपको ये मिलने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो बिल्कुल वेट मत करें, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके इस फोन को बाय कर लें। और गाइज अभी भी आपके मन में सवाल है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपके रिप्लाई हम फटाफट से यहां पे कर देंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को यहां पे लाइक करें, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल का आइकॉन क्लिक कर लें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।